हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक और पालक की सब्जी लेके आई हूँ। पालक बहुत ही हेल्दी है, इसलिए मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि नए नए टेस्टी तरीके से आप सबको पालक खिलाऊं। आज की जो रेसिपी है बहुत ही इजी है, केवल 5 मिनट में और 4 इंग्रेडिएंट से ही रेडी हो जानी है। उसके लिए सबसे पहले हम 100 ग्राम जितनी पालक लेंगे, उसमें नमक डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे और सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मसल दें, जिससे कुछ देर में पालक का पानी निकल जाएगा। 2 से 3 मिनट अच्छे से मसलने के बाद आप देख सकते हैं पालक का पानी निकल रहा है, बस हमें यही चाहिए। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। और बेसन डालने के बाद पालक और बेसन को अच्छे से मिक्स कर दें। बेसन आप कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने स्वाद के हिसाब से। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब हम एक पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे, उसमें डालेंगे लहसुन की पेस्ट। लहसुन की पेस्ट भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन का कच्चापन निकल जाए उतनी देर इसे हम सॉटे कर लेंगे। फिर हम डालेंगे बेसन और पालक का मिक्सचर, और हमें इस मिक्सचर को तब तक पकाना है जब तक बेसन पक नहीं जाता। इसके लिए कम से कम 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। आप चाहें तो बीच में थोड़ा सा पानी डाल सकते हो। बेसन को हमेशा ज़्यादा तेल चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर तेल कम यूज़ किया है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा तेल यूज़ कर सकते हो। बेसन को तब तक पकाना है जब तक हमें भुने हुए बेसन की अच्छे से स्मेल नहीं आने लगती। 2 से 3 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। जब भुने हुए बेसन की अच्छे से स्मेल आ जाए, तब इसे आप सर्व कर ले, और सर्व करने के वक्त ऊपर से नींबू निचोड़ कर डालें, बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। होपफुली आप सबको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और रेसिपी के साथ।